तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पैसा बर्बाद बहन। अक्स, उसमें आउट हूँ। सॉरी, मैं आउट हूँ। मैं भी आउट हूँ। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? ओके सर, आइडिया मैंने खुद प्रॉब्लम फेस किया, इस वजह से आइडिया आया। यार क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम का कोई आप स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स अब्रॉड है क्या? मैम ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में। इट्स अ पैटर्न। नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। मेरे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है। ओके बॉस, देखो ऐसा है कि आप यहाँ पे खड़े हो ना, हाँ, तो कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। ओके उसकी वैल्यू करो। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। मैं आपके थॉट्स बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको नहीं लगता, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। किसको नहीं लगता? जो मतलब 10 ग्लास दारू पी के अपने ग्लास को देख रहा ना, उसको नहीं लगने वाला ये प्रॉब्लम। आपके ब्रांड नेम में ये डबल पी क्यों है? पहले हाँ SIPPLI नहीं रखना था, बट वेबसाइट एड्रेस उस नाम का नहीं मिल रहा था, इसलिए एक पी ऐड किया। एंड इट साउंड्स बेटर। कोई भी बोलेगा सिपलाइन तो कभी आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है। पिछले महीने क्या सेल्स हुई? टोटल हमने 1200 पीसेस बेचे हैं अब तक। सेल्स कम है, आई एग्री। कम क्यों है? चार रीजंस है। पहला रीजन, अवेयरनेस कम है इसमें। सेकंड, मार्केटिंग, वी स्क्रूड अप इन मार्केटिंग बिग टाइम। जो मैसेजिंग हमको देना था, वी कुडंट रियली पास ऑन दैट मैसेज। थर्ड, सेल्स गाय जो मैंने हायर किया था, ही वाज ऑन एंड ऑफ मेडिकल लीव, सो वहां पे भी कंटिन्यूटी जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। इनका सेल्स का बंदा जाता था बेचने के लिए, पिटता था, फिर वो मेडिकल लीव में चला जाता। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। नए कंसेप्ट को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखो ये सब मजाक की बातें हैं। हम लोग सब ने जब बिजनेस शुरू किया था, लोग मजाक उड़ाते थे, तो आप इससे ज्यादा डिस्करेज मत होना। और आप डिस्करेज होने वाले आदमी लगते भी नहीं हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आइडिया अच्छा होता ना, तो विद वेरी मिनिमम मार्केटिंग भी इट वुड टेक ऑफ। आपकी सेल्स पॉसिबली इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि शायद इसके लिए नीड या डिमांड नहीं है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आप थोड़ा अपने कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। आपने अपना ब्रांड का नेम, आपको वेबसाइट नहीं मिला, आपको ट्रेडमार्क नहीं मिला, इसलिए आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रांड नेम रखा है। आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं कि उसको क्या चाहिए। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जो फिनिकी कस्टमर है वो रेस्टोरेंट में जाके ये याद नहीं रखेगी, उसको ये लेके घूमना है। वो वहां पे जाके अगर वो फिनिकी है तो वो स्ट्रॉ मंगा लेगी, नहीं तो मोस्ट लोग सोचते भी नहीं है इसके बारे में। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। लेट मी समराइज इट फॉर यू माय फ्रेंड। अमन के अलावा मेरे को और कोई कस्टमर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमन को ये रोज तकलीफ होती है, तो वो खरीद लेगा आपसे। दूसरी बात, इसे कहते हैं अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। और अगर आप हैबिट ये चेंज करना चाहोगे तो इट विल टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो चीज में जाती है जिसको आप डिफेंड कर सको। इसमें कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं है। अगर चल पड़ा, डिफरेंशिएटर नहीं है, नॉकऑफ्स जगह जगह आ जाएंगे। इट इज ओनली अ प्लास्टिक रिंग अराउंड अ ग्लास। तो इस वजह से मैं भी आउट हूं, एंड अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव एन ऑफर टुडे। बट सर इसमें जो स्कोप है वो दूसरे बिजनेस में नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है, प्रूव अस रॉन्ग, गो आउट एंड प्रूव अस रॉन्ग, बट वी डोंट थिंक दिस विल वर्क। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पैसा बर्बाद पहन चोद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।